पैगंबर कार्टून विवाद में फ्रांस में टीचर की गला काटकर हत्या करने के बाद अब इसी तरह का एक और मामला सामने आया है। फ्रांस के एक चर्च में एक हमलावर ने एक महिला का गला काट दिया। हमलावर ने दो अन्य लोगों की चाकू मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ये वारदात फ्रांस के नीस सिटी में हुई। शहर के मेयर ने इस खौफनाक घटना को आतंकवादी हमला करार दिया है। मेयर क्रिश्चियन इतोर्सी ने कहा कि चाकू से यह हमला शहर के नोट्रेडम चर्च में हुआ। पुलिस ने हमलावर को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने बताया कि तीन लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है, वहीं कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक महिला का गला काटा गया है। फ्रांस के एक नेता ने भी इस बात की पुष्टि की है कि महिला का गला काट दिया गया। फ्रांस के आतंकवाद निरोधक विभाग ने कहा कि उसे इस हमले की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस जगह ये वारदात हुई उसे हथियारबंद जवानों ने घेर लिया है। मौके पर एम्बुलेंस और फायर सर्विस की गाड़ियां भी मौजूद हैं। ये हमला ऐसे समय हुआ है जब कुछ समय पहले ही फ्रांसीसी टीचर की पैगंबर का कार्टून दिखाने पर हत्या कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र।